हेलो एवरीवन, आई एम अजीत सिंह और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th इंग्लिश का टर्म 1 का सिलेबस। तो इस वीडियो के अंदर कंप्लीट सिलेबस है टर्म 1 का, कौन कौन से टॉपिक आपके आए हैं और कौन कौन से टॉपिक आपके नहीं आ रहे हैं, कितना आपको पढ़ना है और कितने मार्क्स। अब बात करते हैं अपने लिटरेचर में, जो कि ऑल ओवर है 18 मार्क्स की, 18 नंबर का आ रहा है आपका। इसमें बुक वन है आपकी फ्लेमिंगो, जिसकी वेटेज आपकी 11 मार्क्स की रहने वाली है। इसमें जो चैप्टर आ रहा है आपका, आप जल्दी से बुक निकाल कर टिक कर लीजिए जो जो टर्म वन में आ रहे हैं। इसमें फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, सेकेंड चैप्टर आपका लॉर्ड स्प्रिंग, चैप्टर नंबर थर्ड डीप वाटर। ये आपके चैप्टर्स हैं जो आ रहे हैं। अब बात करते हैं पोएम्स कौन सी आ रही हैं। तो पोएम नंबर वन आपकी माय मदर एट 66, नंबर टू एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, एंड पोएम नंबर थर्ड आपकी कीपिंग क्वाइट। तो इस बुक के अंदर आपको तीन पोएम और तीन चैप्टर कवर करने हैं, जिनकी ऑल ओवर वेटेज है आपकी 11 मार्क्स की। ये आपकी बुक वन है, जिसका नाम फ्लेमिंगो है। आप देख सकते हैं इसमें स्क्रीन पे इसका फोटो लगा होगा। अब बात करते हैं हमारी सेकंड बुक की, जो कि आपकी विस्टास, जिसकी वेटेज आपकी 7 मार्क्स की रहेगी। इसमें से आपको चैप्टर जो आ रहे हैं, इसमें चैप्टर 1 आ रहा है द थर्ड लेवल, और चैप्टर आपका आ रहा है 4 द एनिमी। जो बीच के दो चैप्टर हैं वो डिलीटेड है, जिसमें चैप्टर 2 द टाइगर किंग हटा हुआ है आपका, और चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ। तो ये दोनों ही चैप्टर सिलेबस के रिलेटेड हैं, ना ये टर्म 1 में आएंगे और ना ये टर्म 2 में आने वाले हैं। तो आई होप आपको दोनों बुक की बारी बारी समझ आ गया होगा कितना कितना आ रहा है। आपकी सेकंड बुक का नाम विस्टास है, जिसकी वेटेज आपकी 7 मार्क्स की है। अब ऑल ओवर देख लेते कितना कितना हमारा आ रहा है। तो इसमें जो आपका हमने देखा पहले, सेक्शन ए है आपका रीडिंग, जिसकी ऑल ओवर वेटेज 14 मार्क्स की है। आपका सेक्शन बी राइटिंग का है, जिसमें आपको 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। इसमें दो तरह की राइटिंग करनी, शॉर्ट राइटिंग और लॉन्ग राइटिंग। आपका सेक्शन सी लिटरेचर का है 18 मार्क्स का, जिसमें आपको दोनों बुक कवर करनी है, फ्लेमिंगो एंड विस्टास। तो ऑल ओवर हुए यहाँ से आपके 40 मार्क्स, और इसमें साथ के साथ आपको 10 मार्क्स इंटरनल रहने वाले हैं। तो ये आपका ऑल ओवर टर्म वन का एग्ज़ाम का जो भी सिलेबस है, तो इसी बेसिस पे आपको प्रिपरेशन करनी है। और इसी के साथ साथ हमारे कमिंग वीडियो भी आपको मिलने वाले हैं, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड समरी,
तो जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।